तो ये मोबाइल जो है वो आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब इसकी क्या वजह है, ये इतना ज़्यादा ये मोबाइल गर्म हो क्यों रहा है? तो आज इसी चीज़ को हमने जो है वो इस वीडियो में पढ़ना है। आप सबके पास मोबाइल्स हैं और कंप्यूटर्स भी होंगे, लैपटॉप्स भी होंगे, LCD भी होगी। कभी ये दिमाग में सवाल आया आपके कि आखिर ये चीज़ें गर्म क्यों हो रही होती हैं? आप उसमें कोई आग तो लगाते नहीं हो, फिर ऐसा उसमें क्या हो रहा होता है कि वो चीज़ गर्म हो रही होती है? तो इस चीज़ को कहते हैं पावर डेसिपेशन, पावर का ज़ाया होना। आप कभी भी नहीं चाहते कि आपका मोबाइल गर्म हो। कभी आपने कोशिश की है कि आपका मोबाइल गर्म हो जाए ताकि उस पर आप कुछ पका लें या थोड़ा हाथ सेक लें, सर्दी हो रही है? कभी भी कोशिश नहीं की होगी। और कभी आपने ये भी कोशिश नहीं की होगी कि आपका कंप्यूटर गर्म हो। आखिर गर्म होगा तो आपका इसमें नुकसान है कि आपके जो है वो एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कंप्यूटर, मोबाइल या TV, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ है या इलेक्ट्रिकल चीज़ है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो उसे फ़ौरन बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जब वो ज़्यादा गर्म होगी तो इसका मतलब है कि उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो आज इसी चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, तालीम मैंने आपको शुरू से बता रखा है, अगर इंटरेस्ट लेंगे, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को ढूंढेंगे, देखेंगे, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और इंटरेस्ट डेवलप हो गया एक बार अगर आपका तालीम में, तो फिर आप आगे बढ़ ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड जूल्स लॉ। तो देखें, दो चीज़ें पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल पावर और जूल्स लॉ। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है आपके पास, ठीक है? तो इसी के अंदर आपके पास आता है पावर डेसिपेशन, यानी पावर का ज़ाया होना। आप इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लेते हैं डेफिनेशन से। द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो, वो रेट जिससे कोई भी सर्किट वर्क कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। अब क्या फॉर एग्जांपल कहना क्या जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके पास, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने जो इसको लिख के दिया है V इज इक्वल टू IV। एक आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो किस स्पीड से काम कर रहा है, कितने टाइम में कितना काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, W/T, ठीक है? सर्किट कितना काम कर रहा है, कितने टाइम में, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैलकुलेटर है जो कि 2 मिनट में एक चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक को डिवाइड कर देंगे 112 से, ठीक है, 120 से, क्योंकि 2 मिनट है। अगर आप सेकंड में चेक करना चाहें तो 120 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? लेकिन अगर आप मिनट में चेक करना चाहें तो उसकी पावर कितनी आएगी, 0.1। और उसी तरफ एक और कैलकुलेटर है जो कि 1 जूल वर्क कर रहा है और 1 सेकंड में कर रहा है, या 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में कर रहा है, तो उसकी पावर कितनी आएगी, P=1/1। तो कोई भी सर्किट कितना काम कर रहा है, कितने टाइम में, ये आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। क्योंकि सर्किट आपके पास क्या करता है, वर्क करता है जब ही आपका जो काम है वो हो पाता है। ये तो मैंने एग्जाम्पलरी तौर पे लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही रेट पे काम करे, मुख्तलिफ रेट होते हैं। अभी उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो ये फार्मूला आपको यहाँ लिख के दिया हुआ इन्होंने। तो बेसिकली ये फार्मूला जो है वो पावर डेसिपेशन का है। जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आए जिसमें पावर डेसिपेशन निकालने का कहा जाए, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब इसी फार्मूले को दो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। बेसिकली सबसे पहले तो पावर डेसिपेशन क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। द हीट जनरेटेड इन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सर्किट, ऑल ऑफ विच पजिस एट लीस्ट सम रेजिस्टेंस, इट is dissipated into air around the component. The rate at which the heat is dissipated is called power dissipation. ठीक है, power dissipation आपके पास क्या है कि कितनी ज़्यादा heat पैदा हो रही है कितने time में। अब आप heat के लिए इस तरह नहीं लिखोगे formula को, H/T नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो heat generate हो रही है वो electrical work की वजह से हो रही है, और electrical work को भी आप W से ही डिनोट करते हो। तो इस फार्मूले की मदद से ही ये फार्मूला ड्राइव होता है। अब इसकी डेरिवेशन यहाँ पर आपको नहीं दी हुई है, ठीक है? अगर इसकी डेरिवेशन आपको दी हुई होती तो मैं ज़रूर करा देता, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये होता कैसे है। आपने
फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या था आपके पास, W अपॉन Q, कितना वर्क हो रहा है कितने चार्ज पर, या एक चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया आपके पास, क्यू वी इक्वल टू W। अब इस W को इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो क्या बन गया आपके पास, W की जगह पर आप क्या लिख दोगे, क्यू वी और टी, ठीक है। अब आप क्या करो, W ये V को अलग कर दो, ठीक है, V को आपने अलग कर दिया, चलो इसको ऐसे ही लिख रहे दो, V को आपने अलग कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपको बात समझ में आ जाएगी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये चार्ज करंट का फॉर्मूला था ना, ये करंट का फॉर्मूला था ना आपके पास, Q अपॉन T, तो Q अपॉन T की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, I, तो आई वी, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका, चाहो तो ये डेरिवेशन कर लेना, ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है पावर डेसिपेशन का, कि कितना पावर जो है वो हमारे पास लूज हो रहा है। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझो और अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद है वो उससे समझो। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, मैंने इसको हाथ लगाया, ये बहुत गर्म हो रहा था, मैंने फ़ौरन इसे छोड़ दिया, तो ये उस वक्त क्या कर रहा है, पावर डेसिपेशन, यानी पावर डेसिपेशन का मतलब है कि एनर्जी को ज़ाया करना। क्या मतलब है पावर डेसिपेशन का, एनर्जी को ज़ाया करना। पावर डिसिपेशन अगर सर्किट में निकालनी है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इफ यू वांट टू फाइंड द पावर डिसिपेशन इन सर्किट, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द पावर डिसिपेशन, ठीक है। अगर कभी भी सर्किट में कहा जा रहा है सर्किट गर्म हो रहा है और इतनी पावर लूज कर रहा है और वो पावर निकालनी है आपने, और आपको दिया हुआ है वोल्टेज और करंट, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, पावर डेसिपेशन निकाल लोगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला एक तरीका तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है, और एक तरीका ये है, आपने पढ़ा था थोड़ी देर कुछ टाइम पहले, मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया है ना, ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलो इसको डेरिवेशन ही के तौर पे कर लो पूरा पूरा, क्योंकि बुक में पूरा नहीं दिया हुआ। तो ओम्स लॉ क्या कहता था आपके पास, ओम्स भाई साहब का जो लॉ था वो क्या कहता था, बिल्कुल सही, V इज इक्वल टू आई आर, V को उठाकर ऊपर वाली इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई का स्क्वायर और V, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका आपके पास, सॉरी V की जगह पे पुट कर रहे हो ना तो आ रहेगा, ठीक है। तो V की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, चलो इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो जो कि डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, V को ऊपर उठा के पुट कर दिया, V की जगह पर आई आर लिख दिया, तो ये हो गया आई और ये हो गया आर, और ये आई आपके पास जो एक और मौजूद था, आई से आई मल्टीप्लाई हुआ, आई से आई मल्टीप्लाई हुआ आपके पास, तो क्या बन गया, I का स्क्वायर और R, ठीक है। ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो पावर डेसिपेशन के लिए। अगर कहा जाए सर्किट में हीट निकल रही है और कितनी हीट निकल रही है वो पता करें, आपको करंट दिया हुआ और रेजिस्टेंस, तो इस फार्मूले से आ जाएगा, ठीक है। अगर कहें सर्किट गर्म हो रहा है, उसमें जो करंट मूव कर रहा है वो I है, उसमें जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो R है, कितनी हीट जनरेट करेगा या कितनी हीट जनरेट हो रही है सर्किट से वो निकालें, यानी पावर, तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है कि कितने टाइम में कितनी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी नोट डाउन किया जा सकता है, कैसे, कि इस फॉर्मूले को ओम्स लॉ को आप सेट करा दो। देखो जो मैं तरीके से लिख रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी में उतार लो, ओम्स लॉ को सेट करा दो आई के लिए, तो फॉर क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर है ना, तो I के लिए सेट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, R इधर आ जाएगा और ये I हो जाएगा, है ना, इस तरह हो जाएगा ना। चलो ऐसा लिख लो इसको, जब I को पहले लिख लो, क्योंकि आप लोग इस तरह लिखने के आदि हैं तो इस तरह लिख लें, ठीक है। अब इस I को उठाकर इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू I, बल्कि I की जगह तो पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा V, I की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ, V अपॉन R, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय वी, तो ये हो गया आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये तीसरा फार्मूला है। तीन फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो
पावर डेसिपेशन निकालने के लिए। आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया उन्होंने, उस न्यूमेरिकल में कहा कि हमारे पास पावर कितनी है, यानी कितनी हीट कितने टाइम में निकल रही है ये बताएं, यानी कितनी हीट ज़ाया हो रही है, आपके पास वोल्टेज V है, रेजिस्टर R है, तो ये फार्मूला सिंपल इस्तेमाल करना, आपके पास आपकी पावर आ जाएगी कि कितनी हीट टाइम के रिस्पेक्ट से ज़ाया कर रहा है आपका सर्किट। बेसिकली अगर आसान बटों में समझो तो ये है पावर डिसिपेशन, ये है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि बहुत कीमती तरीके से आपने बनाई थी, यानी जो बहुत कीमती है आपके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कीमती है ना। अभी मैं अगर यहाँ लाइट चली जाए तो मेरा पढ़ाना बंद, ना कैमरा चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना एसी चलेगा, ना ही जो है ये बल्ब चलेंगे, ना ही लाइट जलेगी, और ना ही मेरे को कुछ नज़र आएगा, ना ही मैं पढ़ा पाऊँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरी जो लाइट्स लगी हुई हैं वो गर्म ना हो रही हों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो गर्म हो रही हैं यानी पावर लूज़ कर रही हैं, पावर डेसिपेशन हो रहा है उसके अंदर, और वो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीटअप होगी चीज़ उतनी ज़्यादा ख़राब होगी। तो वो हीट निकालने के तीन फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। बुक में सिर्फ ये तीन हिस्से लिख के दिए हुए थे, ये कैसे आए ये नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी कि ये फार्मूले किस तरह ड्राइव हुए ये भी निकाल के दे दिया। अच्छा, एनर्जी इन रेजिस्टर्स। तो देखो भाई, हम रेजिस्टर्स क्यों लगाते हैं सर्किट में, क्योंकि रेजिस्टर्स तो हमें पता है भाई। देखो, एक रोड जब मैं बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आपके इलाके में एक अच्छा सा रोड बनवाया गया, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, ये चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पहले इसको रिमूव करते हैं। आपके इलाके में रोड टूट गया था, बहुत प्यारा सा रोड बनवाया गया, ठीक है, बहुत प्यारा सा रोड बना, बहुत खर्चा होकर रोड बना, बहुत ज़बरदस्त लाइटें वाइटें लगा दी गई, ये रोड बना हुआ है आपके इलाके का प्यारा सा। अब आप क्या चाहोगे कि रोड पे ना ही कोई खड्डा हो, ना ही कोई स्पीड ब्रेकर हो, लेकिन रोड पर स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से जो 125 भगाते हुए आ रहे हैं उसकी स्पीड कम हो जाए और बाकी आगे हल्के जाए, ठीक है, या जो भी कोई गाड़ी तेज चलाता हुआ आ रहा है वो हल्की स्पीड में जाए। क्यों? क्योंकि आगे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर कोई तेज़ गाड़ी वाला गुजरेगा और खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट, कोई इंसान या कोई बच्चा उसके सामने आ गया तो नुकसान हो सकता है। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, समझ गए ना बात, बहुत इजी है। चलो थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पर मौजूद है स्कूल, ठीक है, मेरा स्कूल मौजूद है जिसमें मैंने पढ़ा। अब आप लोग नाम पूछेंगे उसका, तो नाम मैं फिर कभी बताऊँगा। चलो मेरी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, यूनी मौजूद है मेरी, मेरी यूनी के आगे भी स्पीड ब्रेकर है, सर्विस रोड पर है, पर ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो मेरी यूनिवर्सिटी के गेट से थोड़ा पहले स्पीड ब्रेकर बना दिया उन्होंने, जब भी मैं उस स्पीड ब्रेकर से जाता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है वो स्पीड ब्रेकर क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि अगर वो स्पीड ब्रेकर नहीं होता तो मैं जाता 125 की स्पीड में वहाँ से, या चलो 70 की स्पीड में निकल जाता, लेकिन स्पीड ब्रेकर होने की वजह से अब मेरी स्पीड यहाँ पर होती है 10-20, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही कोई मैं बड़ा राइडर बन जाऊँ तो 40 की स्पीड में निकल जाऊँगा या 50 की स्पीड में निकल जाऊँगा, इससे ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं होगी। क्योंकि अगर मैंने 80-90 की स्पीड पर स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी जब भगाई तो फिर वो स्पीड ब्रेकर नहीं, मेरे लिए एक रैंप बन जाएगा और मेरी गाड़ी फिर उस स्पीड ब्रेकर के बाद यूं जा रही होगी, ठीक है, और फिर वो जब नीचे आएगी तो कुछ यूं आएगी और फिर क्या होगा आपको सबको पता है, ठीक है। तो स्पीड ब्रेकर क्यों बनाते हैं, स्पीड को कम करने के लिए। इसी तरह से रेजिस्टर का भी सेम काम है, करंट को कम करने के लिए रेजिस्टर लगाते हैं। अक्सर आपका जो लैपटॉप हीट जनरेट कर रहा होता है ना, अगर वो एक लिमिट में हीट जनरेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, यानी वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी बोलेंगे सर आपने कहा था हीट जनरेट हो रही है तो गलत है, आप बोल रहे हैं आप सही है। देखें, आपका जो करंट आ रहा होता है ना आपके सर्किट से या मेन सर्किट से जो करंट आ रहा होता है वो एक ख़ास क्वांटिटी में होता है। आप उस करंट को कम नहीं कर रहे होते हैं, ना ही उसके वोल्टेज को कम कर रहे होते हैं। आपके पास जो चीज़ें होती है ना उसमें जितना करंट चाहिए होता है आप उतना करंट इस्तेमाल करते हैं उस सर्किट को ऐसा बना करके वो करंट खुद कम कर ले, समझ गए बात। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए कम करंट चाहिए, लाइट जलाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, और फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, घर की पानी की मोटर चलाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, मेन स्विच में जाकर करंट कम ज़्यादा करूँगा कि भाई अभी तो मुझे करंट ज़्यादा चाहिए, अभी वॉशिंग मशीन चला रहा हूँ करंट और कम चाहिए, अभी तो मैं पानी की मोटर सबसे ज़्यादा तेज़ करंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा करंट कम ज़्यादा करूँगा वहाँ जाके, बिल्कुल नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ से जो करंट आ रहा है उसे आने दूंगा और एक खास का अमाउंट में करंट आएगा, यानी मैक्सिमम करंट आएगा जितने घर को चाहिए। लेकिन जो मेरे पास सर्किट्स है ना, यानी जो मेरी मशीन लगी हुई है पानी की,
जो मेरी घर में वॉशिंग मशीन है उसको मैं ऐसा सर्किट बनाऊंगा कि उसको जितना करंट चाहिए वो उतना ले ले, बाकी वो ज़ाया कर दे, मेरी मर्ज़ी से ज़ाया कर दे, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है वो ज़ाया कर दे, अगर क्यों वो ज़्यादा करंट ले लेगी तो ब्लास्ट ख़त्म बात, ठीक है। तो रेजिस्टर का ये काम है कि करंट को कम कर देना, एनर्जी को कम कर देना, लूज़ कर देना, बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब बोलेंगे इसका क्या तुक हुआ, तो ये मेरा एक स्लोगन है, बात समझ में आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। अच्छा, यहाँ पढ़ भी लेते हैं, एनर्जी इज डिसिपेटेड व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर इज डिसिपेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एनर्जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, एनर्जी निकालनी है, कभी भी आपसे कहे कि एनर्जी निकालें तो आपको पता है पावर का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी के लिए मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, डब्ल्यू, चलो ई लिख रहा हूँ, ई एनर्जी के लिए ई लिख रहा हूँ, जो कि आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है फार्मूला, ये जो वर्क है ये एनर्जी ही होती है, आपको पता है अच्छी तरीके से ये बात, ठीक है। तो उसको उधर ले जाओ, ई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी, एनर्जी निकालने के लिए ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात। कभी भी बोले एनर्जी निकालें, पावर इतनी है, टाइम इतना, तो ये पी मल्टीप्लाई बाय टी कर देना, मुझे भी याद है ये सब कुछ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई पावर डिसिपेशन, तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दी। एक और फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, वो है जूल्स लॉ। वो क्या है आपके पास? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ तीन बातें करता है, जूल्स लॉ तीन बातें करता है, जो एनर्जी निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो हीट एनर्जी निकलेगी सर्किट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा करंट दोगे, हर देखो ये मोबाइल जो है ना, एक इसको ख़ास अमाउंट में करंट चाहिए। अगर मैं कोई डायरेक्ट, मतलब चार्जर को ऐसा करूं कि चार्जर का आगे का जो हिस्सा होता है उसको निकाल दूं, इसको मैं थोड़ा इस तरह समझाता हूं कि मेरे पास ये चार्जर है, मैंने ये हिस्सा निकाल दिया चार्जर का, चार्जर का ये हिस्सा निकाल दिया और इसका ना ये काटा, ये जो यूएसबी अडॉप्टर है ये काटा और डायरेक्ट जो इसको मेन सॉकेट में लगा दिया, तो क्या होगा? ब्लास्ट, ठीक है, मेरे बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे और मैं खुद काला हो जाऊंगा, ठीक है, और काला हो जाऊंगा। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा करंट मिल जाएगा मोबाइल को, और मोबाइल में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो खुद से करंट को कम कर सके, ये चार्जर काम करता है करंट को कम करने का। ये जो चार्जर है ना आपके पास, ये क्या करता है? करंट को कम कर देता है। जितना मोबाइल को, जितने एम्पेयर, आई थिंक 2 या 3 एम्पेयर चाहिए होते हैं मोबाइल को, इसमें तो 0.6 एम्पेयर लिखा हुआ है और 240 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इनपुट इसका जो है वो 280 200, ये जो इनपुट करंट लेता है वो कितना लेता है? 240 वोल्ट, ये आपके मेन सर्किट से ले रहा होता है। जब भी अगर ये चार्जर लगा हुआ हो और आप इसे पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर करंट ज़ाया हो जाता है, यहाँ पर वो जितना करंट चाहिए होता है उतना करंट आगे पहुँचाता है। अगर ये 440 करंट आगे पहुँचा दे, तो अगर मैंने ये प्लग की पिन पकड़ी, ये जो टाइप सी केबल है ये पकड़ी, तो फिर मेरे को लग रहा होगा करंट और मैं कर रहा हूँगा डांस, ठीक है। तो समझ गए ना आप, ये अपने चार्जर को देखना अच्छी तरीके से, कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करिएगा कि चार्जिंग स्लो हो रही है तो काट पीट कर डायरेक्ट लगा दिया। अगर आपने डायरेक्ट लगाया, मोबाइल भी जाएगा, आपको भी करंट लगेगा और नुकसान घर का अलग हो जाएगा। तो यही है बात कि भाई जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी जूल्स लॉ के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, जितना टाइम लोगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने दूध उबालने रखा, 5 मिनट में कम उबलेगा, 10 मिनट में उसमें ज़्यादा उबाल आ जाएगा, बात समझते हो ना। घर में कभी खाना पकाते हुए देखा होगा मदर को अपनी या सिस्टर को या किसी भी घर वाले को, तो उसमें अगर वो ज़्यादा देर तक चूल्हे पर रख दें तो क्या होता है? टाइम ज़्यादा हो जाता है तो खाना ज़्यादा गर्म होने लगता है और फिर जल जाता है। चलो बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब ये अच्छा, रेजिस्टर्स ज़्यादा लगे होंगे या रेजिस्टर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा? करंट ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ रिलेशन से, अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जो रेजिस्टर्स लगाया हुआ है वो 100 ओम्स का है, अच्छा 100 ओम्स से भी ज़्यादा का है, तो जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतना ही ज़्यादा आपको करंट जनरेट होगा। अभी ये स्पीड ब्रेकर से समझ लो, जितना बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाऊंगा मैं, चलो इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाऊंगा तो उतना ही ज़्यादा लोगों को स्पीड हल्का करके जाना पड़ेगा, लेकिन स्पीड ब्रेकर में ये काम उल्टा है। जितना छोटा स्पीड ब्रेकर बनाओगे ना उतना ही लोग कम जो है वो स्पीड को करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब ऊँचा हो जाता है ना तो फिर वो और ख़तरनाक हो जाता है, डायरेक्ट उस पर जाके टायर लगता है, तो लोग समझ जाते हैं। तो क्या हो गया, इन सबको कंबाइन कर दो, कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? आर आई का स्क्वायर टी।
अब मैंने इस तरह से लिखा, बच्चे बोलेंगे गलत है, ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर बुक में तो ऐसे लिखा हुआ था, बुक में ऐसे लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बुक में ऐसे लिखा हुआ था, मैं नहीं बोल रहा गलत है। लेकिन देखें, अगर इस तरह से आप चीज़ों को पकड़ेंगे ना, तो सेल्फ सफिशिएंट कभी नहीं बनेंगे। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ऊपर वाली वैल्यू में, इस वैल्यू वन में और वैल्यू टू में, या फार्मूला वन में फार्मूला टू में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही दो फ़र्क है कि मैंने एक चीज़ आगे लिख दी, एक चीज़ पीछे लिख दी है। तो देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हाँ, अगर ये किया ना, आई के स्क्वायर की जगह आर का स्क्वायर लिख दिया, तो फ़र्क पड़ेगा। तो ये है आपके पास जूल्स लॉ, या जाउल्स भी पढ़ रहे होते हैं, तो इसको जाउल्स लॉ कह लो भाई, क्योंकि मुझे फिर कमेंट मिलेंगे सर जाउल्स है, तो कुछ लोग इसे जाउल भी पढ़ रहे होते हैं। तो देखो, जितना अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से समझा सकता था, मैंने समझाया, ठीक है। अब यही चीज़ स्टेटमेंट से पढ़ देता हूँ थोड़ी बहुत, ताकि आपको मेरी बात जो समझ में आई है वो इसर भी लिखी भी मिल जाए। वेन एन इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा याद रखना, इसका यूनिट जो है ना जाउल्स लॉ में, जो हीट निकल रही है उसका यूनिट क्या है आपके पास? जूल। और इधर भी जो यूनिट है जूल है, और पावर में वॉट है, ठीक है, वो यूनिट्स आपको याद है, और ऐसा यूनिट्स हैं ये। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट, इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर विच गिव राइज टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम ऑफ द कंडक्टर एंड विच रिजल्ट इन हीट जनरेशन। देखो वही बात है ना जो मैंने कही थी, हीट जनरेशन हो रही है। अब एटम से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ही हीट जनरेट होती है, ये बात मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में समझाई थी, फिर से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ रिवीजन के तौर पे, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये एक अच्छा सा कंडक्टर है, इसमें ये एटम है, ठीक है, एटम को पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये एटम है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, जब ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराते हैं तो क्या होता है? हीट निकलती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकराएगी तो बेसिकली आपको पता है हीट जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, मैं बार बार दीवार पर मुक्का मारूं तो दीवार भी गर्म होने लगेगी और मेरा हाथ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना। तो इसी तरह से जब एटम इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो हीट बढ़ती है, हीट निकलती है, और वो हीट सर्किट से निकलती है तो उसे कहते हैं पावर डिसिपेशन। और वो ये दो लॉस से आपने समझ ली, ठीक है भाई। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करा देता हूँ। तो बाकी जो यही बात लिखी हुई है, H जो है वो आपके पास हीट है, R रेजिस्टर है, I करंट है, और बाकी T टाइम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ इसका अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छे से न्यूमेरिकल से मुराद इसके न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, क्योंकि देखो अगर न्यूमेरिकल समझ में आ जाए ना, कभी कभार बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता, न्यूमेरिकल समझ आ जाता है, वो खुद ही हिसाब किताब बना लेते हैं कि इस तरह हो रहा है तो इस तरह होगा, इस तरह हो रहा है तो इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा आपके पास क्या है? इसका गिवन डेटा, ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है आपने, हर चीज़ को हमने न्यूमेरिकल में, सबसे पहले अगर आपने तीन चीज़ें पहचान ली ना न्यूमेरिकल में, कि क्या ढूंढना है, क्या दिया हुआ है, क्या ढूंढना है, और क्या सोल्यूशन यानी क्या फार्मूला है, तो समझ लो न्यूमेरिकल में चीते हो गए आप, ठीक है। न्यूमेरिकल में चीते होने की यही एग्जाम्पल है। कहते हैं कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, अच्छा देखो 100 जूल कह रहे हैं तो यानी एच कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसे एच ही लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया है? 100 जाउल ईच सेकंड, ईच सेकंड यानी हर सेकंड में, तो एक सेकंड की बात हो रही है। अच्छा, उसी के साथ आपको जो है इन्होंने क्या दे दिया है? रेजिस्टर्स दे दिया है। अब मैंने रेजिस्टर्स का ये यूनिट पढ़ा दिया था, ये यूनिट रेजिस्टर्स का होता है, ये यूनिट रेजिस्टर का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। मांग क्या रहे हैं आपसे? मांग रहे हैं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आप लोग बस इतना बता दीजिए। फार्मूला क्या है? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते जो आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए होता है या तो आपको पावर चाहिए होती है, वो तो दी हुई नहीं है ना, तो आपको ये डेटा दिया हुआ इन्होंने, एच स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा बेहतर करके लिख दूं तो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है बेसिकली। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले? देखो ओम्स लॉ तो पढ़ा है ना आपने, क्या था ओम्स लॉ में आपके पास? देखो ओम्स लॉ याद रखो, वो आपके तमाम काम को आसान कर देगा सर्किट में। क्या था ओम्स लॉ? वी इज इक्वल टू आई आर, आई और आर ये रहा, लेकिन आई स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? आई चाहिए। तो क्या करो, आई को ब्रेक कर दो हिस्सों में। तो आई को ब्रेक करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, एक आई इधर आ गया, एक आई इधर आ गया,
ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर ही है, ये चीज़ इसके बराबर ही है, बस आई को तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा भाई क्या हो गया मेरे पास, आई आर किसके बराबर है, वी के बराबर है, वी आई किसके बराबर है, हो सके तो वीडियो को पोस्ट कर दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा लेकिन अब एक और मसला है, करंट भी नहीं मिला हुआ, करंट भी चाहिए हमें, करंट कहाँ दिया हुआ है हमें, करंट तो नहीं दिया हुआ ना इन्होंने, इन्होंने हमें करंट नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो ये फार्मूला तो अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर करंट नहीं है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम यहाँ पर क्या ला सकते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। तो देखो बुक में थोड़ा अलग तरीके से ये हुआ हुआ है, बुक में उन्होंने ये क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट आई के लिए सेट करा के इधर पुट कर दिया, ये भी कर सकते हो, जो मैं करा रहा हूँ वो भी कर सकते हो क्योंकि उससे और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस करंट को ख़त्म करना, तो दोबारा मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूँगा और मैं क्या कर दूँगा, ओम्स लॉ को वी और आर को इधर ले आऊँगा और आई को इधर रख दूँगा, तो इस आई को उधर पुट कर दूँगा, तो ये क्या हो गया, वी वी और आर और टी, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा तो वी का स्क्वायर आर अपॉन टी, ठीक है, ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। अब ये फार्मूला एग्जैक्ट वही फार्मूला है जो आपको इन्होंने गिवन किया हुआ है, ठीक है, ये वही फार्मूला है जो आपको इन्होंने गिवन किया हुआ है, बस मैंने आपको इसको थोड़ी डिटेल्स में समझाया, मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आई होप ये आपको जो है वो विजिबल होगा, ठीक है, हाँ विजिबल है, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और t। अच्छा अब आपको पता क्या करना था, v, तो सब चीज़ों को उधर ले जाओ, ठीक है, ये क्या हो रही है, डिवाइड हो जाएगी वहाँ जाके ये चीज़, ये यहाँ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा पुट कर दो तमाम वैल्यूज़ को, h क्या दिया हुआ है, 100, ठीक है, आर क्या दिया हुआ है, 4, और टाइम क्या दिया हुआ है, 1, तो क्या आ गया, लेकिन वी स्क्वायर नहीं पता करना था, वी पता करना था, 400 आ गया, ठीक है वोल्ट, लेकिन आपने वी पता करना है, वी स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो वी आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर की मदद से कर लो, अभी कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। 400 का स्क्वायर रूट चेक कर लेते क्या होता है, 20, 400 का स्क्वायर रूट आ रहा है मेरे पास 20 वोल्ट। देखा मैंने कॉन्सेप्ट मुझे आते थे तो मैंने बुक को फॉलो नहीं किया, मैंने उसी चीज़ को एक और तरीके से कर लिया, मैंने दो बार ओम्स लॉ इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने एक ही बार ओम्स लॉ इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा झंझट में पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आई स्क्वायर की जगह पर पुट कर दो, इसको आई के लिए सेट कराओ और पुट कर दो, लेकिन मैंने दो बार किया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सोल्यूशन था इसका, लिख लेना, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक था, इसके बाद लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट, या कंपोनेंट का इस्तेमाल सर्किट में कैसे किया जाता है, ठीक है, सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में जाकर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को, जूल्स लॉ को, पावर डिसिपेशन को, लेकिन अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद।